हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 40वीं वार्षिक एथलीट मीट का 5वीं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में आगाज हो गया। 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक इंटर कॉलेज एथलेटिक मीट का आगाज डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने किया। इस मौके पर डीसी ने नेशनल एथलेटिक्स फ्लैग को फहराकर खेलों का विधिवत शुभारंभ किया। डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि 4 वर्ष के बाद गेम्स हो रही है, ऐसे में अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मंच है। उन्होंने कहा खेलों में उत्साह के साथ अपनी मेहनत का प्रदर्शन भी खिलाड़ी करेंगे। डीसी कांगड़ा ने कहा कि 3 लाख रुपए की राशि धर्मशाला कॉलेज मैदान की मरम्मत के रखरखाव के लिए प्रदान की गई है। आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लगभग 35 महाविद्यालय के विद्यार्थी एथलीट खेल स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 350 के करीब खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। देखिए, पिछले 3-4 वर्ष से जो कोविड काल के दौरान बहुत सारी हमारी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उन पे एक अंकुश लगा था, उनको एक विराम देना पड़ा था, परंतु आज एक बहुत हर्ष का विषय है कि जो हिमाचल प्रदेश की एथलेटिक मीट है वो धर्मशाला के जो साई ग्राउंड है यहाँ पर आयोजित की गई है, और ये 46वीं मीट है। ये लगभग 4 वर्ष के अंतराल के बाद यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, और इसमें जो हमारे पूरे स्टेट के लगभग 35 कॉलेजेस हैं जिसमें जो छात्र हैं वो आज और 3 दिन के लिए, अगले 2 दिन के लिए अपना 15 तारीख तक अपनी जो प्रतिभा है उसको प्रदर्शित करेंगे, और आपस में इन सभी कॉलेजेस का, सभी एथलीट्स का जो एक कॉम्पिटिशन है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का जो होस्ट, जो आयोजन है, जो मेज़बानी है वो इस बार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला ने की है, और आज मुझे भी अवसर यहाँ पर जो इसका इनॉग्रल प्रोग्राम है उसमें आने का प्राप्त हुआ, और जो मैडम संजीवन मनकोटिया हैं, जो हमारे जो प्रिंसिपल हैं हमारे जो कॉलेज के, उनको बहुत बहुत मैं बधाई का पात्र मानता हूँ। उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है कि यहाँ पर जो आयोजन किया है उससे एक बहुत ही, सभी जो छात्र हैं वो उत्सुक हैं और सभी छात्र जो हैं वो कंफर्टेबल हैं, और वो अपनी बेस्ट टू देयर एबिलिटी दे विल बी एबल टू परफॉर्म, एंड सभी जो छात्र यहाँ पर आज इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने आए हैं और अगले 2 दिन तक यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे। अलग अलग ट्रैक इवेंट्स हैं, फील्ड इवेंट्स हैं, उसमें सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड मे द बेस्ट एथलीट विन इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी।